हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचरिस्टिक क्लासेस। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचरिस्टिक क्लासेस पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी तुरंत पहुंचे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचरिस्टिक क्लास में मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि पता है कि हमने रीजनिंग में अभी दो क्लासेस किसके लिए थे, क्विज टेबल के लिए थी, उसके पहले एनालॉजी का लिया था। अब आज हम एक नया टॉपिक के साथ आ रहे हैं आपके साथ। टॉपिक का नाम है इनइक्वलिटीज, असमानता। चलिए, तो इनइक्वलिटी जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें पांच साइन है, पांच छह साइन है, उनके बारे में आप पता होना चाहिए हमें। पहली साइन तो ये है ग्रेटर देन, दूसरी साइन है लेस देन, तीसरी साइन है इक्वल, फोर्थ साइन है ग्रेटर देन इक्वल, और फिफ्थ साइन है लेस देन इक्वल, है ना। ये आपका क्या हो गया, ग्रेटर देन, ग्रेटर, ये लेसर, ये इक्वल का साइन हो गया, ये आपका ग्रेटर विथ इक्वल, ये लेसर विथ इक्वल, है ना। इन पांच साइनों का ही इसमें इनइक्वलिटीज में पूरा खेल है ना। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। और इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है वो हमेशा ग्रेटर देन और लेस देन का ही दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपको ग्रेटर देन दिया है और दूसरा साइन आपका एक मान लीजिए इसी में ग्रेटर देन इक्वल दिया है, तो प्रेफरेंस इसका दिया जाएगा सबसे ज़्यादा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा आपको कि टॉपिक है क्या, कैसा इसके क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, इसकी बहुत इजी ट्रिक आपको बताएंगे, ओपन गेट एंड क्लोज गेट टेक्निक। ये ट्रिक है एक, है ना, जिससे आपको क्वेश्चन लिखना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके क्वेश्चन आते कैसे हैं सबसे पहले ये देखना है आपको, है ना। चलिए, क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया रहेगा, कथन, कथन के रूप में दिया रहेगा, एन बराबर पी, पी छोटा है एफ से, एफ बड़ा है एल से, और एल बराबर है के के। ये कथन है आपका, और निष्कर्ष कुछ ऐसा दिया रहेगा, निष्कर्ष आपको बताना पड़ेगा। एक निष्कर्ष पहला, एफ बराबर के, और दो, दूसरा क्या है, एफ बड़ा है के से। चार ऑप्शन रहेंगे यहाँ पे, ए ऑप्शन निष्कर्ष फर्स्ट सही है, बी ऑप्शन निष्कर्ष दो सही है, सी ऑप्शन निष्कर्ष एक और दो दोनों सही हैं, डी ऑप्शन निष्कर्ष एक और दो दोनों सही नहीं है, है ना। और ई ऑप्शन रहेगा या तो फर्स्ट निष्कर्ष या तो सेकंड, मतलब दो में से कोई, या तो सेकंड निष्कर्ष सही है। ये पांच ऑप्शन रहेंगे, है ना, ये ऑप्शन सभी क्वेश्चन में बस पांच ही ऑप्शन रहेंगे। अब चलिए इसको सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देख क्या रहा है कि हर जगह अलग अलग रिलेशन दिया है, एन पी का दिया है, यहाँ पी एफ का दिया है, एफ एल का दिया है, एल के का। तो अपन इसको जो सॉल्व करने की जो बेसिक टेक्निक है पहले उसकी बात करेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। बेसिक टेक्निक ये बोलती है कि सभी इनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है सबसे पहले। तो जैसे एन इक्वल्स टू पी दिया है,
अब देखिए पी से कौन सा रिलेशन दिया है, पी से नेक्स्ट रिलेशन दिया है तो इसको पहले इकट्ठा कर लेंगे पी से एफ। अब एफ से क्या है नेक्स्ट रिलेशन एफ टू एल दिया है और एल इक्वल्स टू के, तो एल को या तो के भी बोल सकते हैं ना। देखिए एक एक इक्वेशन बन गया, पहले यहाँ पे चार अलग अलग इक्वेशन थे अब एक इक्वेशन बन गया। अब अपन फर्स्ट सबसे पहले पहले निष्कर्ष में जाएंगे कि पहला निष्कर्ष को चेक करेंगे क्या ये फॉलो कर रहा है सही है कि नहीं। देखते हैं एफ बराबर के, क्या एफ से के पहुंच सकते हैं क्या, एफ बराबर के, बिल्कुल एफ बराबर के बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एफ जो है एल से बड़ा है तो यहाँ पे एल से बड़ा है या तो के से बड़ा है तो बराबर तो नहीं है ना। अगर साइन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया होता है एफ बराबर कुछ ये इस टाइप का साइन दिया होता तो एक बार देखते कि हाँ बड़ा भी है और बराबर भी है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ बड़े के साइन दिए हुए हैं तो पहला निष्कर्ष तो फॉलो नहीं कर पा रहा है अपना, तो गलत हो गया। दूसरे निष्कर्ष में देखते हैं कि एफ से क्या पहुँच, एफ क्या के से बड़ा है या बिल्कुल यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि एफ जो है के से बड़ा है। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष दो फॉलो कर रहा है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी निष्कर्ष दो सही है। चलिए अब इसी क्वेश्चन में एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं कि जिसमें आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। देखिए अगर एफ से के जाना है और कौन सी साइन चाहिए इक्वल, तो अगर इसमें दो चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर इधर से चल रहे हैं तो ये हमारे लिए ओपन गेट होगा और अगर कोई वैल्यू इधर से आ रहे हैं तो ये हमको क्लोज गेट है। तो अगर ओपन गेट है तो हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे ना, अगर जहां हमको ये साइन मिल गया तो क्लोज गेट मतलब फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पे एफ से ओपन गेट मिला बिल्कुल, एफ से एल पहुंच गए और एल ही बराबर के है तो एफ से के, लेकिन यहाँ पे बराबर साइन तो नहीं है ना तो ये तो फॉलो नहीं होगा। सेकंड वाले एफ से के सेकंड क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है क्योंकि ओपन गेट और ओपन गेट सीधे के पहुंच गए है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, कहीं लिखा नहीं है, ये ठीक है ओपन गेट क्लोज गेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निष्कर्ष दो सही है ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आपको जो कथन दिया है, कथन क्या है, n बराबर पी, पी लेस देन एफ, एफ ग्रेटर देन एल और L इक्वल्स टू K। अब निष्कर्ष आपको इसमें दिए हैं दो निष्कर्ष, निष्कर्ष फर्स्ट क्या बोलते हैं, सॉरी ये क्वेश्चन तो हो चुका है सर। चलिए अपने से निष्कर्ष ले लेते हैं फर्स्ट। मान लेते हैं P ग्रेटर देन L और निष्कर्ष टू N ग्रेटर देन L, क्या कोई रिलेशन इस तरह फॉलो हो रहा है कि नहीं। चलिए तो सबसे पहले अपन को क्या करेंगे, इसको एक क्रम में व्यवस्थित करेंगे, N से P, P से फिर F जुड़ा है और F से L जुड़ा है और L से K जुड़ा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या P से L जा पाएंगे, P से चलते हैं अपन, तो इधर साइड तो ठीक है ओपन, लेकिन यहाँ निकलते ही क्या मिल गया अपन को, क्लोज गेट, तो पहला तो अनफॉलो हो गया। ठीक है नेक्स्ट N टू L, N से L जाना है तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है पहुँच जाएंगे, इसका मतलब क्लोजी गेट होगा है ना, लेकिन यहाँ पहुँचते यहाँ में क्लोज गेट मिल गया मतलब ये साइन मिल गई तो ये भी नहीं फॉलो रहा है। तो इसका मतलब ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा फॉलो कर रहा है, मतलब निष्कर्ष वन और निष्कर्ष दो दोनों सही नहीं है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा ना। तो ना तो पहला निष्कर्ष फॉलो हो रहा है और ना ही दूसरा, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को लिखना ही नहीं पड़ता, आप क्वेश्चन में देख के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कर्ष क्या दिया है, सबसे पहले कथन क्या है, कथन है जेड बड़ा है टी से, टी छोटा है एम से, टी इज लेस देन एम एंड एम इज लेस देन जे, एम इज लेस देन जे। अब आपको निष्कर्ष बताने हैं, निष्कर्ष पहला T is less than J, T is less than J, निष्कर्ष टू J is less than Z। चलिए अब इसका सबसे पहले एक क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, Z से T पहुंच गए
टी जो है लेस देन है एम से, एम जो है लेस देन है जे से। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन निष्कर्ष में पहला है क्या है, टी इज लेस देन जे। तो अपन को इधर से देखते हैं, जे से टी पहुंचना है, क्या जे से टी तक पहुंच पाएंगे? यहां से गए बिल्कुल ओपन गेट, पहुंच गए एम, एम से गए टी, यहां भी ओपन गेट, बिल्कुल पहला निष्कर्ष फॉलो हो रहा है ना। अब नेक्स्ट में जेड, जेड से जे जाना है, जेड से जे, जहां से ओपन, हमने आपको बताया ना कि ओपन की तरफ से चलना है, तो जेड से जे चलना है अपन को, जेड यहां है, जेड से टी तक तो गए लेकिन टी के आगे हमें क्लोज गेट मिल गया, तो सेकंड निष्कर्ष फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, निष्कर्ष वन सही है ना। समझ में आया, हमें क्या बताया कि जे से टी आना है, तो जे देखिए कहाँ है, जे यहाँ है, जे से ये ओपन गेट है, एम पहुँच गए, फिर ओपन गेट मिला हम टी पहुँच गए, तो ये फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट जेड से जे पहुँचना है, जेड से गए टी, तो यहाँ तो ओपन गेट था लेकिन यहाँ हमें क्लोज गेट मिल गया, इसका मतलब हमने समझाया कि क्लोज गेट है ना, क्लोज गेट, तो यहाँ से हमारा रास्ता बंद, तो ये फॉलो नहीं हुआ, इसलिए निष्कर्ष पहला फॉलो होगा ओनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्यू बराबर जेड, सी बड़ा है बराबर है जी से, जी बड़ा है बराबर है क्यू से, और क्यू बड़ा है बराबर है आर से, है ना, ये सी है। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि किसका किसका यहाँ पे रिलेशन दिया है, एक क्रम से जोड़ते चलेंगे आप, है ना। सबसे पहले Q बराबर जेड, इसको Q बराबर जेड को अपन इस तरह भी लिख सकते हैं, Q बराबर जेड मतलब Q कहो या तो जेड कहो, बात वही हुई है ना। अब देखिए Q से कोई रिलेशन क्या दिया है, बिल्कुल ये नेक्स्ट दिया है, Q बड़ा है बराबर है R से, ठीक है। अब नेक्स्ट रिलेशन किससे दिया है देखते हैं, Q से ही रिलेशन दिया है, Q इज लेस देन एंड, Q जो है लेस देन और इक्वल है किसके, G के, G बना दिए, और G जो है लेस देन इक्वल है किसके, C के। ये देखिए क्रम बन गया यहाँ पे, है ना, चारों को मिला लिए तो बन गया, एक से एक को जोड़ते जाएंगे, जिससे जो जो जुड़ा है उसका लिंक करते जाएंगे ना। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या पूछा है, पहला ये कथन था, ये कथन था हाँ, और ये निष्कर्ष आपको बताना है, निष्कर्ष क्या बताना है, पहला तो जी से बड़ा है बराबर है जेड के, और दूसरा सी बड़ा है बराबर है आर की, ये दो चीज आपको बतानी है। तो जी कहाँ है, वहां पे चलते हैं अपन, जी बड़ा है बराबर है जेड से। अब देखिए इस केस में आपको दोनों चीज सेटिस्फाई होना पड़ेगा, मतलब ये भी और ये चीज दोनों मिले, पता चले एक जगह आपको ये मिल गया और आगे मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए पी यहाँ जी है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे आपका जेड है, तो यहाँ जी से जे ओपन गेट यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, लेकिन हमने वो क्या बताया था कि अगर ये दोनों साइन दी हुई हैं तो प्राथमिकता इसको देंगे, अगर दो अलग अलग साइन दिया है ना, तो अगर दोनों में ये चीज़ होता तो फॉलो होता, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए अगर ऐसे दिया होता ये दोनों जगह, तो बिल्कुल हम कह देते कि ये है, अगर एक जगह यहाँ पे आप हटा दो एक साइन, इक्वल का साइन ये लगा देते, तो यहाँ पे बिल्कुल जी से जेड पहुँचा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन जी इज ग्रेटर देन जेड ही सही होती, जी इक्वल जेड सही नहीं होता ना। बट यहाँ इस क्वेश्चन में हम देखते हैं इसमें क्या दिया है, ये आपको समझाने की बात कर रहा था। चलिए अब जी से जेड पहुँचना है विथ इक्वल साइन, तो जी यहाँ है जेड यहाँ है, बिल्कुल पहुँच रहे हैं, देखिए जी से हमने गेट ओपन है और इसके साथ इक्वल साइन भी है, तो हमारा पहला निष्कर्ष तो एकदम फॉलो हो रहा है ना। अब देखिए सी से आप आर तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, सी है, सी से ओपन गेट मिला, इक्वल साइन है, बिल्कुल यहाँ तक यहाँ पहुंच गए, ओपन गेट, ओपन गेट, सबसे पहले तो ओपन गेट देखेंगे, हाँ ओपन गेट है तो अपन सी से आर तक पहुंच जाएंगे। अब देखिए सी से अगर ये कंडीशन होती तो एकदम सीधे पहुंच गए, अब देख लीजिए क्या ये साइन ये भी है हर जगह, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बिल्कुल आपको सेकेंड निष्कर्ष भी फॉलो हो रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, निष्कर्ष वन और निष्कर्ष दो दोनों फॉलो कर रहे हैं ना, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर चलते हैं। कथन क्या दिया हुआ है, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, डी बड़ा है ई से, ई बड़ा है एफ से,
और डी बड़ा है तीसरा, डी बड़ा है सी से, डी बड़ा है सी से, ये तीन कथन दिए हुए हैं आपको ना। और निष्कर्ष क्या फॉलो निकालना है आपको, निष्कर्ष पहला निकालना है कि ई बड़ा है सी से, और दूसरा आपको निष्कर्ष बताना है एफ बड़ा है बी से, है ना। तो सबसे पहले आगे इनको हम इकट्ठा करते हैं, तीन उसमें दिया हुआ है ना, तो आगे देख लेते हैं। ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, अब सी और से कुछ कोई रिलेशन बिल्कुल दिया यहाँ पे, सी क्या ये रिलेशन, ये वाला सी इज लेस देन डी, है ना। अब डी से देखिए क्या यहाँ पे, डी से नेक्स्ट रिलेशन दिया ये, तो डी बड़ा है ई से, ई बड़ा है एफ से, ये बन गया एक क्रम में, है ना पूरा एक। ये अलग अलग दिए थे तीन पार्ट में, मैंने उनको तीनों को एक साथ करके भी बना दिया आपका, है ना कथन, अब ये हो गया समझ लीजिए। अब इसको देख के आपको निष्कर्ष बताना है। अब देखिए ई से आपको सी पहुंचना है, ई से सी मतलब ई इज ग्रेटर देन सी, मतलब ई से सी आपको जाना है। अब देखिए ई कहाँ है आपके पास, ई यहाँ है, ई से इधर एफ जाएंगे, आप एफ के बाद तो कोई लिंक है नहीं। अब देखिए ई से आप इधर तो आ नहीं सकते, यहीं से आपको रास्ता बंद हो गया, है ना। तो पहला जो है ई इज ग्रेटर देन सी, ये फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा एफ से बी, एफ से बी क्या पहुंच पाएंगे, एफ से ही चलेंगे तो ये रास्ता बंद हो गया, क्योंकि आगे तो कुछ है नहीं, तो आपको एफ से बी भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो मतलब ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी टॉपिक है ये, रीजनिंग का सबसे इजी टॉपिक इसको कह सकते हैं ना। चलिए कथन, कथन क्या है, k इज लेस देन l, k इज ग्रेटर देन m, m इज ग्रेटर देन इक्वल देन n, और n इज ग्रेटर देन o, है ना k। चलिए और निष्कर्ष आपको क्या निकालना है, निष्कर्ष पहला आपको बताना है कि O इज लेस देन M, दूसरा O इज लेस देन K। चलिए सबसे पहले क्या दिया है, ये L है आपका ना, थोड़ा राइटिंग डिस्टर्ब है मेरी। चलिए सबसे पहले तो एक लिंक बनाएंगे कि जिसकी लिंक जुड़ रही है उनको इकट्ठा करेंगे, K से L गए, ठीक है। के से अगला क्या दिया है, के इज ग्रेटर देन एम, के इज ग्रेटर देन एम, ये बना दिए, तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए एम से लिंक दिया है, एम इज ग्रेटर देन इक्वल एन, एम जो है ग्रेटर देन है और इक्वल है किसके, एन के, और एन जो है ग्रेटर देन है किसके, एम ग्रेटर देन है ओ के। देखिए एक लिंक जुड़ गई है ना। अब आपको ऑप्शन में बताना है, अब यहाँ से ओ से एन तो जानी, एम से ओ चलना है, एम से देखिए ओ, M से ओपन गेट N पहुंच गए, N से ओपन गेट O पहुंच गए, तो पहला ऑप्शन O इज ये फॉलो कर रहा है बिल्कुल, M से O तक देखिए, यहां से ओपन गेट मिल गया, ये भी मिल गया। अब अगर यहां पे आपसे ये पूछ लिया होता, मान लीजिए इसके जगह ऐसा कुछ पूछ लिया होता O M से O, तो ये अनफॉलो हो जाता, क्योंकि M से N यहां तक तो बराबर साइन थी, लेकिन यहां पे ओनली ग्रेटर देन की साइन थी, इसलिए ये फॉलो नहीं होता ये, लेकिन हमको क्वेश्चन में ये पूछा है इसलिए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओ कैसे ओ क्या पहुंच पाओगे, बिल्कुल देखते हैं। के से एम गए, एम से एन गए और एन से ओ गए, तो यहाँ पे ये भी फॉलो हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, निष्कर्ष एक और दो दोनों सही है। चलिए है ना, तो ये कुछ पाँच क्वेश्चन थे, पाँच छः क्वेश्चन थे शायद, और कल कुछ इसके अलग और क्वेश्चन लेके आएंगे आपके साथ, इसके एक पैटर्न और पूछता है क्वेश्चन में ना, ये तो एकदम नॉर्मल था। एक पैटर्न ऐसा रहता है कि कोडेड इनइक्वलिटी दे देता है, क्या कोडेड इनइक्वलिटी, उसमें आपको कुछ कोड दे देगा, जैसे कि एज द रेट का मतलब है कि ना तो ज़्यादा है ना तो कम है, मतलब बराबर है समझ लीजिए, या फिर डॉलर का मतलब दे देगा ग्रेटर देन इक्वल, इस टाइप का कोडेड इनइक्वलिटी आती है, तो उसको पहले कोड को किस में चेंज कर लेंगे, साइन में, और फिर यही है उसका। तो इसके एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। कथन दिया है आपको, मान लीजिए b टू r, b इज ग्रेटर देन r, r इज ग्रेटर देन e, e इज ग्रेटर देन a और a इज ग्रेटर देन k, एक ये दिया है कथन, और एक कथन दिया है h इज ग्रेटर देन a, a इज ग्रेटर देन s, दो कथन दिए हुए हैं ना कथन। अब निष्कर्ष निकालना है आपको,
निष्कर्ष पहला, h इज ग्रेटर देन k, h इज ग्रेटर देन k और s इज लेस देन b, s इज लेस देन b। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो कथन दिया उसको एक लिंकअप करेंगे एक तरफ से, है ना। तो चलिए देखते हैं कथन, b टू r, r टू e, e टू a, a टू k, है ना, k तक पहुंच गए, या पहला था। अब देखिए नेक्स्ट एक कथन और इसमें दिया है, h बड़ा है a से, a बड़ा है s से। तो अब a से एक लिंकअप दिया है a से, है ना, तो a से क्या बड़ा है, यहाँ से ऐसे जोड़ लेंगे इसको h, और a बड़ा है किससे, s से, ये कुछ ऐसा बना लिया है ना इसको, यहाँ ये आपकी वो बन गई क्या एक। अब देखिए h से k पहुँचना है, तो h से a गए और a से k पहुँच गए, तो पहला ऑप्शन तो सही है सीधे। दूसरा b टू s, b यहाँ है, b टू r गए, ओपन गेट ओपन गेट ओपन गेट ओपन गेट a, a टू s, इसको अगर हम इस तरह लिख दें, मान लीजिए इसको अगर हटाते हैं तो ये ऐसा बन सकता है ना, b टू r e, e टू a और a टू s, और a टू s ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, अगर इसको यहाँ तक इसको हटा दीजिए, चलिए ये ऐसा बनेगा ना, इसको मान लीजिए चलिए रफ कर देते हैं और इसको s को ऐसे लिख दिए, तो ये एक लिंकअप बन गया ना, b टू s पहुँच गए आप, तो ये भी सही है ना। तो इससे आपको क्या निकला कि निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, डी बड़ा है ई से, ये आपको कथन दिया है ना, डी बड़ा है ई से और ई जो है लेस देन और इक्वल है एफ के, और जे जो है लेस देन है एफ से, है ना, ये दो दिया है और निष्कर्ष आपसे पूछ रहा है। निष्कर्ष पहला, डी बड़ा है जे से, दूसरा निष्कर्ष ई लेस देन जे, है ना, ई लेस देन जे। चलिए सबसे पहले जो कथन दिया उसको एक क्रम में सेट कर लेते हैं, डी और ये ई जो है लेस देन इक्वल एफ है और एफ जो है ग्रेटर देन है जे के। चलिए पहला देखते हैं, क्या डी से जे पहुंच पाएंगे आप, डी से ई गए ओपन गेट मिला और ई से एफ, क्या यहाँ पे हमको क्या मिल गया, क्लोज गेट, तो पहला ऑप्शन तो नहीं फॉलो कर रहा है। अब देखिए जे से ई क्या पहुंच सकते हैं आप, जे से चलते ही आपको क्लोज गेट मिल गया, तो ये भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब निष्कर्ष वन और निष्कर्ष दो दोनों ही सही नहीं है, डी ऑप्शन इसका, है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, कथन जो दिया है आपको, जे बराबर ए, सी बड़ा है बराबर है के बड़ा है बराबर है एस के, एस बड़ा है बराबर है ए के, ये दो कथन दिए हुए हैं और निष्कर्ष आपको निकालना है। निष्कर्ष पहला आपको निकालना है, सी बड़ा है जे से, और दूसरा निष्कर्ष क्या निकालना है, सी बराबर है जे के। चलिए सबसे पहले तो आगे जो दिया है उसको एक साथ कथन उसको एक साथ कर लेते हैं, के बड़ा है एस से, एस बड़ा है ए से, दूसरा जे और ए के बीच में रिलेशन दिया कि जे बराबर ए, तो मतलब इसको जे लिख सकते हैं, ये रिलेशन दिया है। अब देखिए सी से जे आप पहुंच सकते हैं क्या, देखिए सी से जे बिल्कुल पहुंच सकते हैं और सी इज बराबर जे, अब कहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ भी बराबर साइन, यहाँ भी बराबर साइन और यहाँ भी बराबर साइन विथ ग्रेटर, है ना। तो या तो पहला देखा जाए तो सी बड़ा है जे से और सी बराबर है जे से, दोनों साइन है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में सी ये कंडीशन फॉलो हो रही है, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या देना होगा, या तो पहला या तो दूसरा, है तो दोनों सही, है ना, लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन, या तो फर्स्ट निष्कर्ष या तो सेकंड, तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, ये, है ना। चलिए ये कुछ क्वेश्चन थे, तो देखिए और कल हम आपके साथ लाएंगे इसके पार्ट टू, जिसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे, मैं आपसे बात किया है कि कोडेड इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे ना।
चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा सपोर्ट करें हम लोग का। थैंक यू।